हाई एवरी वन वेलकम टू द स्टडी आईज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गईज गुड मॉर्निंग टू एवरी वन कैसे हैं आप सभी तो बच चुके हैं नो no. तो करते हैं अपने क्लास की शुरुआत जिसके अंदर हम डेली बेस पर कर रहे हैं हिंदू के एम सी क्यू आई जस्ट होप कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल सबको अच्छे से हो रहा है हाई एवरी वन ओके okay, तो करते हैं सेशन की शुरुआत जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड द स्पेशली जो ये सीरीज़ है आपकी वो है आपके प्रीलिम्स 21 के लिए अगर आप इसे रेगुलर रखते हो यू नो नीड टू कवर द योर टेस्ट सीरीज और नो नीड टू वरी अबाउट द प्रीलिम्स आल्सो फाइन इससे पहले इन्फॉर्मेशन गई इस देर आर लॉट्स ऑफ बचेज़ आर गोइंग ऑन फॉर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री एक्सपेरियंस के लिए बैचेज लॉन्च हो रहे हैं सेवनटीथ ऑनवर्ड यानी कि आज ही से ये बैचेज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं वन ईयर बैच कोर्स आर ऑल्सो फॉर देयर फॉर यू पी एस सी 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 ट्वेंटी टू यहाँ पर आप देखिए मिशन विक्ट्री वन जो है ट्वेंटी टू एक्सपेरियंस के लिए चल रहा है कम्प्लीट सिलेबस लाइव क्लास सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा वन ईयर बैच कोर्स फॉर ट्वेंटी टू एक्सपेरियंस आर ऑल्सो भी देयर फॉर इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सेवेंटीन मार्च के लिए ये देर आर लॉर्ड्स ऑफ बैचेज़ आर गोइंग ऑन इन सब के लिए आपको सिर्फ़ इतना करना है स्टडी आई ए एस का रेफरल कोड यूज़ करना है और इंस्टेंटली टेन परसेंट का डिस्काउंट जो है वो पाना है फाइन इस कोड को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कटौती मिलती है ठीक है आप आ, उसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट जो हैं वो मिलते हैं एंड ऑल्सो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट इज़ गोइंग ऑन जिसमें आप 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स इन सब में पार्टिसिपेट करने वाले आपको डिटेल्ड एनालिसिस कराएंगे आप विन स्कॉलरशिप जो है वो कर सकते हो चार करोड़ तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो गाइज आइकॉनिक और प्लस दोनों तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है आप तीनों चीज़ों को अवेल कर सकते हो गुड मॉर्निंग कुमार गुड मॉर्निंग रीता आई एम गुड आई एम गुड आप बताइए आप कैसे हैं एंड नाउ फाइन की प्रिपरेशन सही चल रही है इसके अंदर एनरोल कराने के लिए यूज़ कीजिए स्टडी आई एस कोड एंड ये होती है आपको हर संडे को होती है सुबह ग्यारह बजे गुड मॉर्निंग अंकित तो चलिए करते हैं स्टार्ट चलिए करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन है ये है मेरी प्रोफाइल गाइज एंड अकेडमी पर यू कैन फॉलो मी देयर वहाँ पर आपको बहुत सी क्लासेस के अपडेट्स मिल जाएगी अभी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है तो उसकी अपडेट भी आप लोगों को मिल जाएगी सो लेट्स कार्ट इट फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सिपरी सिपरी जिसका नाम है वो क्या है आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड टू रिसर्च एंडफ्लिक्टेडिकेटेड टू रिसर्च इंट कन्फ्लिक्ट अर्मामेंट आर्म्स कंट्रोल एंड डिसमामेंट दूसरा है इट प्रोवाइड डाटा अनालस रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्सिस पॉलिसी मेकर रिसर्चर्स मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक हिंदी में यहाँ अवेलेबल है कहीं जिससे रीड करिए वन टू बोथ नन वट इज़ द राइट वन एंड यू जस्ट रीड योर सेल्फ पढ़े सी ओके एनी अदर सिपरी के बारे में जो है वो आपको डिस्कशन करना है यू रीड इट वंस आंसर ओके okay. सिपरी के बारे में क्या सही जवाब है बताइए सी यू आर सिंह ना सी यू आर सिंह चलिए बिल्कुल सही है सी इज द राइट आंसर वेरी गुड सी सिपरी जो है वो आर्मी की कैपेसिटी बताता है इस कैपेसिटी में इंडिया का कौन सा नंबर है कौन सा नंबर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिमेंबर द वर्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेडिकेट करता है टू रिसर्च रिलेटेड टू कंफ्लिक्ट आर्म कंट्रोल डिस अर्माेंट इन सबसे रिलेटेड जो रिसर्च है ये करता है फाइन एस्टैब्लिश हुआ था 1966 के अंदर स्टॉक होम में स्वेडन की डाटा एनालिसिस रिकमेंडेशन ओपन सोर्स के बेस पे ये अवेलेबल कराता है पॉलिसी मेकर रिसर्चर और वो सब चीज़ें ठीक है हाँ फिलहाल इंडिया का जो आम सपोर्ट है इंपोर्ट है वो अभी कम हुआ है इसी के चलते ये चीज़ न्यूज़ में आई थी दैट्स वाई वी आर कवरिंग इट नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जब हमने न्यूज़ देखी थी देन वी ऑल्सो एनालाइज कि भाई जो डब्ल्यू पी आई इंडेक्स है उसमें गिरावट आई है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है एंड वो सब चीज़ें हमने देखी थी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जिसे डब्लू आप बोलते हो वो क्या है इट मेजर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय द होलसेल बिजनेसेस टू अदर बिजनेसेस। बाय बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इट इज मोस्टली यूज वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया करेक्ट आंसर दीजिए वन वन ओनली, 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 टू एंड एंड थ्री थ्री या फिर ऑल आर ट्रू वट कैन बी द राइट आंसर वो बताइए होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि क्या ये प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके प्राइस में चेंज जो आते हैं उसको मेजर करता है एंड ट्रेडेड इन बल्क होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस वट कैन बी द राइट आंसर रीड इट प्रॉपरली प्रॉपरली पढ़िए क्या ये स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा आ, क्या कहते हैं कि पब्लिश किया गया है गुड मॉर्निंग और मोस्ट वाइडली यूज इंफ्लेशन है इंडिकेटर है इंडिया के अंदर एनी अदर ओके यू आर सींग एर सी ए बी और सी चलिए इस राइट आंसर इज इट्स राइट आंसर इज सी ओनली बिकॉज इट्स नॉट पब्लिश बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस बल्कि जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो आते हैं उनके उनके द्वारा इसको जो है वो पब्लिश किया जाता है रही बात इसकी नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस की एन जिसे आप बोल रहे हो स्टेटिस्टिकल ऑफिस की ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज होता है इनके द्वारा सीपीआई बाकी जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो करते हैं डब्ल्यू को ठीक है और इन्फ्लेशन को अगर आपने अपने इंडिया के अंदर देखना है तो वो होता है डब्ल्यू का बेस्ट लेवल होता है वहाँ से अच्छा बता देता है ये और मेजर करता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडेड इन बल्क बाय होल सेल बिजनेस टू द अदर बिजनेस ओके बेस ईयर है ग्यारह बारह कंसीडर द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोर देन हाफ ऑफ फैकल्टी पोजिशन रिजर्व फॉर ओ बी सी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हायर एजुकेशन आर वैकेंट नहीं एम एस आई नहीं इट बाई द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो आता है ओके दूसरा है सी मोर देन हाफ ऑफ द फैकल्टी पोजिशन रिजर्व फॉर ओ बी सी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर वैकेंट लेस देन वन परसेंट ऑफ द वन जीरो सिक्स टू प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी करेक्ट आंसर दीजिए वन ओनली टू ओनली वन एंड टू ओनली या फिर बोथ आर ट्रू uh, या नन ठीक नन बताइए उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है वट कैन बी द राइट आंसर हिंदी में यहाँ अवेलेबल है प्लीज रीड इट फ्रॉम ह्य ओके एनी अदर हम्म सी और ओनली टू मीन्स बी यू आर सिंग ना एंड सी और सी चलिए इज राइट आंसर इज सी दोनों बिल्कुल सही है अभी आई आई एम जो है आईआईएम जो है उसके अंदर सीट की वैकेंसी जो है वो बताई गई थी जिसमें पता चला था भाई हाफ ऑफ द फैकल्टी जो पोजीशन है वो रिजर्व की गई है ओबीसी कैटेगरी के, के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में हायर जो एजुकेशन से वो है वो वैकेंट है जबकि फोर्टी परसेंट जो रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट की और ट्राइब की वो भी अनफिल्ड है उसमें भी कोई नहीं बैठा है ये बात किसने बोली है एजुकेशन मिनिस्टर ने बताई है लोकसभा को फ़ाइन सिचुएशन एक्यूट है इन द ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई जिसके अंदर सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा एस और ओ की पोजिशन जो वेकेंट है तो कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और जो रिजर्व सीट है वही खाली जो है वो पड़ी हुई है जबकि 80 परसेंट पोजिशन रिजर्व है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं वो भी फिलफुल फुलफिल नहीं हुई है ये है आपका टॉपिक गुड मॉर्निंग रमापति इससे इससे गाइज दोनों सही हैं और आई में बोला है कि डाटा ओनली प्रोवाइड फॉर द नॉन फैकल्टी पोजिशन आई आई टी आई दोनों एग्जामेशन है ऐसी फैकल्टी कोटा रिक्वायरमेंट से ओके okay. कौन कौन है क्लास में प्रेजेंट शो योर प्रेजेंस एंड डू लाइक द सेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द डेली एनसीटी डेली ये क्या है क्या कहना चाह रहा है बिल गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द एल जी इवन इन द मेट्रस वे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेली इज एम पावर टू मेक द लोस ठीक है अब जो ये नया बिल आया है ये वाला जो बिल आया है क्या उसने डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसे उन मैटर्स में भी जहाँ पे कानून जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एम्पावर है कानून बनाने के लिए दूसरा कह रहा है कि एज पर द एग्जिस्टिंग एक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पावर टू मेक लॉज इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस और हेल्थ ठीक है करेक्ट आंसर दीजिए वन ओनली टू ओनली ओनली बोथ या फिर नन बताओ क्या सही जवाब है डू लाइक द सेशन एज वेल ओके क्या बात है वेरी गुड रीजन बताइए शेयर द रीजन ऑल्सो वेरी गुड इस ए बिकॉज ठीक है बिल ने पावर दी है डिस्क्रिप्शनरी इसको एल जी को कि वहां पर भी कि जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सके वहां पर भी आ, जो एलजी है वो एलजी है वो इंटरफेयर कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं इस लाइन को याद रखना और दूसरा एग्जिस्टिंग एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली सब जगह पावर चला सकते हैं लेकिन तीन चीजों को छोड़ के वो होता है पब्लिक ऑर्डर वो होता है पुलिस और वो होता है हेल्थ सॉरी लैंड तीन चीज होते हैं पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड तीन चीज़ें हाँ जी सो ए विल बी और राइट आंसर फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये बिल को पास किया है लोकसभा के अंदर जिसमें ये प्रपोज़ किया है कि जो गवर्नमेंट है एनसीटी की दिल्ली की एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को प्रपोज़ किया है एनसीटी का जो ये बिल है वो प्रपोज़ करता है कि ट्वेंटी वन फोर थर्टी थ्री फोर्टी फोर ऑफ नाइनटीन नाइन्टी वन एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आए जाए ठीक है अभी तक क्वेश्चन सबको क्लियर है गुड मॉर्निंग किशोर गुड मॉर्निंग डू लाइक सेशन सब्सक्राइब करिए अगर आप नहीं आप न्यू हैं तो अब सेक्शन 44 क्या कह रहा है कि भाई जो सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं एलजी के चाहे वो मिनिस्टर के एडवाइस पे हो या फिर ना हो वो एक्सप्रेस होने चाहिए किन के नाम पे एलजी के नाम पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे एक्शंस लिए जाएंगे वो एलजी के नाम पे होने चाहिए बिल ने डिस्क्रिप्शनरी पावर दे दी है एल को तो अभी कही कहीं ना कहीं एल और जो सीएम होते हैं उन दोनों में कंफ्लिक्ट जो है टकराव जो है और बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि अब इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर हो इच्छाजनक पावर जो है वो हो गई है ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट है भावना भावना एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है विद रिलीजियस मैसेजेस प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वो कहाँ पर जो है वो प्रेवलेंट है कर्नाटका में बिहार में पंजाब में असम में कहाँ है आंसर करिए ओके हावना इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट रिलीजियस मैसेज इज एट इन कर्नाटका बिहार पंजाब और असम एवरी वन एवरी वन Assam from Shankadev. Okay. Any other, uh, you say it for B or D. Rita, your answer, Prince. Akash Ramapati. Good morning, Ashwani. Good morning. Biswajit also said the Bihar. Okay. Guys, do fast. Do fast. Assam. Chali. Is Assam. Assam is the right answer. Philhala. हम्म फिलहाल कांग्रेस इन आसाम ने ट्वीट किया है भावना के बारे में जो कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट खड़े होते हुए और एन जो एनआरसी है उसके अगेंस्ट खड़े होते हुए अभी वैसे आपको ये भी पता है कि एनपीआर की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सब ऑनलाइन जो है वो फिल की जा रही है ना हमें कुछ दिन पहले इसको किया था भावना एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है

भावना रिटर्न है असामीज और ब्रजला ब्रजवली लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेज में है वो भी याद कर लेना असामीज और ब्रजवली असामीज और ब्रजवली गुड मॉर्निंग नहीं मैं ठीकु, मैं ठीकु, मैं ठीकु, मैं बताओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट री हैप री है भाई री है प्रोजेक्ट री है इंटरनेशनल

नागरहोली इन कर्नाटका वेरी गुड प्रिंस वेरी गुड चलिए इस राइट आंसर इज़ बी इट्स सी दोनों सही हैं दोनों सही हैं ग्रीन पेज इंटरनेशनल दोनों सही हैं हाँ 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 नागर होल में हुआ है और टाइगर रिजर्व कॉन्फ्लिक्ट जोन है सो ना एक्चुअली ये जो स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट वो के के द्वारा किया गया है सो ग्रीन पेस इंटरनेशनल गलत है बी इज द राइट आंसर हाँ बी क्योंकि ना अभी हमने के देखा था कल भी खादी विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उनके द्वारा प्रोजेक्ट री को स्टार्टअप दिया गया था हाँ अब हुआ क्या है कि एलिफेंट अटैक से बचने के लिए हनी बीज को कुछ दो बॉक्सेस के अंदर डाल दिया गया था इसका पूरा नाम ही क्या है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग द बीज फाइन ताकि बी फेंसेज जो है उसको प्रॉपरली देखा जा सके और उसे बचा जा सके और पायलट प्रोजेक्ट है दैट वाज लॉन्च एट द फोर लोकेशंस अराउंड द चेलूर विलेज इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर स्पॉट नेशनल नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर हुआ है अब आपको याद करना है नागर होल टाइगर uh, ये नागरहोल नेशनल पार्क है तो कर्नाटक में लेकिन क्या उसके आसपास कुछ है क्या वो उसका थोड़ा सा आपने मैपिंग को खुद से देखना पड़ेगा वो देखना भी ज़रूरी है नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इज रिसेंटली हाँ रिसेंटली चाइना हैज़ मेड चेंजेस इन द हॉन्ग इलेक्टोरल सिस्टम फ़िलहाल जो चाइना है उसने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं होंगकॉन्ग के इलेक्टोरल सिस्टम में वट काइंड ऑफ इंप्लीकेशन कैन बी फॉर द इंडिया उसकी वजह से आपके इंडिया पर उसका क्या असर जो है वो पड़ सकता है वो देखना है वो बताइए हॉन्गकॉग इज अ डेस्टिनेशन फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स टू द ग्लोबल मार्केट कौन कौन है क्लास में प्रेजेंट हॉन्गकॉन्ग इज द डेस्टिनेशन फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स टू द ग्लोबल मार्केट इंडिया इज ऑफ बी यू दैट हॉगकॉन्ग कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेंडनिंग टाइज विद चाइना एज इट कंसिडर्ड अ गेट वे टू द चाइना करेक्ट आंसर दीजिए वन ओनली टू ओनली बोथ या फिर नन वट कैन बी द राइट वन बताओ एवरी वन ओके हांगकांग आपको पता है ना कि चाइना के ही नीचे है हांगकांग साउथ चाइना सी में हाँ चलिए इस राइट आंसर इज सी दोनों बिल्कुल सही है हांगकॉन्ग डेस्टिनेशन है री एक्सपोर्ट के लिए ऑफ इंडियन गुड्स टू द ग्लोबल मार्केट तक अगर हम पहुंचाना चाहते हैं अपने गुड्स को तो उसके लिए एक जगह है आपके लिए वो है आपका हॉन्गकॉन्ग ये फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए इंडिया इज ऑफ द व्यू कि हांगकॉन्ग जो है वो एक अच्छा रोल अदा कर सकता है स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द चाइना और एक गेटवे टू द चाइना भी हमें नजर आ रहा है हमारे लिए ग्लोबली टेंशन जो है ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट इन हॉन्गकॉन्ग चाइना सो क्योंकि हांगकॉन्ग और आपकी चाइना के अंदर कुछ टेंशन चल रही है जिसके चलते हमें अपना भी खतरा लग रहा है और इंडिया के वर्ल्ड के साथ और इंडिया के चाइना के साथ दोनों का खतरा जो है थोड़ा सा हमें उठाना पड़ रहा है ओके okay? हाँ जी चलिए नेक्स्ट है Consider the following statement about the Indian export Indian exports are related kaise India accounted 0.2% share of global arms export during the 1620 and making country world 24th largest exporter of the major arms It represents an increase in more than 200 percent over India's exposure 0.1 percent during previous five-year period of 2011-15. Myanmar, Sri Lanka, Mauritius were the top recipient of the Indian military hardware. Correct answer: one only two and three, only one and three or all are two. Question hai important or Korea che answer? What can be the right answer? Do fast, do fast. C, okay. आपने ये देखना है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसके बारे में आपने बात करनी है सिंपल है रिपोर्ट आई तो है अभी क्या इंडिया में 0.2 टू परसेंट शेयरिंग हो रही है ग्लोबल आम एक्सपोर्ट की ड्यूरिंग 16 से 20 तक और इसके चलते हमारा जो वर्ल्ड में ट्वेंटी फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है हमारी कंट्री और दूसरा कहता है कि क्या 200 परसेंट से इंक्रीज हुआ है इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले पांच सालों में 11 से 15 तक म्यांमार श्रीलंका और मॉरिशियस जो तो टॉप रेसिपियंट है इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर को वो सबसे पहले खरीदते हैं सबसे ज्यादा माल वहीं जाता है हमारा करेक्ट आंसर वन ओनली टू एंड थ्री वन एंड थ्री ओला टू ओके एनी अदर चलिए इट्स डी एक्चुअली इनो के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है लेकिन थोड़ा जल्दी आंसर करो वरना टाइम जाएगा डी इज़ द राइट आंसर पॉइंट टू परसेंट ही इंडिया ने इसकी ग्रोथ जो है वो देखी है ट्वेंटी फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया बन गया है इन द वर्ल्ड फाइन कितने नंबर पे आया है ट्वेंटी फोर्थ और दूसरी बात अगर हम ये देखें कि 200 परसेंट इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है पिछले 2011-15 से लेकर म्यांमार श्रीलंका और मॉरिशस तीनों याद करना तीनों म्यांमार श्रीलंका मॉरिशस इन तीनों में से कौन सा आइलैंड है और वो हमारे इंडियन ओशन में लाई करता है बताइए इन तीनों में से कौन सा आइलैंड है जो अपने इंडियन ओशन के अंदर लाई करता है फ्यूचर ट्रेंड क्या है कि जैसे जैसे ये थ्रेड बढ़ती जा रही है पाकिस्तान चाइना की और एक डिले हो रहा है डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के आम एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे टू इंक्रीज ओवर द कमिंग फ्यू इज ठीक है हाँ ओके 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 चलिए आई थॉट कि आप लोग भी लेट कर रहे होगे इसीलिए ट्वेंटी सेकेंड्स का लैग होता है बीच में डिफरेंस होता है ट्वेंटी सेकेंड्स का जब मैं बोलती हूँ तब आप सुनते हो वो चीज ओके 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 वेरी गुड यस दैट इज अ मॉरिशियस वो एक आइलैंड कंट्री है और वो आपके इंडियन ओशन के अंदर लाई करती है नेक्स्ट है सीओ टू एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये consider the following statement about the co2 it is opaque to the incoming solar radiation but transparent to the outgoing terrestrial radiation okay largely responsible for the greenhouse effect incorrect bataiye 1 two, 2 only 1 only or none give the answer do it very fast CO2 के बारे में आप लोगों ने डिस्कशन करना है दी मीन्स नन कोई भी गलत नहीं है ओके इट्स वेरी नॉलेजिएबल क्वेश्चन नॉलेज में लगाने का स्मार्ट स्टडी यूज करने का क्वेश्चन है ये अब सुनिए ध्यान से इट्स राइट आंसर इज सी सी में लिखा है वन ओनली वो ये कह रहा है कि गलत कौन सा है ना ओपेक टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन कैसे है ओपीक इनकमिंग के लिए सुनो ध्यान से ये है है सन ये सरफेस सन की जो रेज आपके सरफेस पर आती हैं वो आती हैं शॉर्ट वेज में ऐसे करके बहुत स्पीडली आती हैं और जल्द भी जल्दी भी आती है स्पीड स्पीड भी होती है एक तो और एक शॉर्ट uh, वेव्स में आती है ठीक है शॉर्ट वेव्स क्यों बोलते हैं क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है इसलिए इनको शॉर्ट वेव्स बोलते हैं ये जब आती हैं तो बीच में जो गैसेस का कंपोजिशन है उसको ये कैप्चर नहीं करती है जिसके चलते वो हल्की होती है और वो बहुत जल्दी अर्थ तक पहुंच जाती है जब वो अर्थ पे पहुंचती है ऑलरेडी यहाँ पे सी टू बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और भी बहुत सी गैसेज प्रेजेंट है उसको कैप्चर कर लेती है स्टोर कर लेती है तो ये जब जाएगी वो कुछ इस फॉर्म में जाएगी ये वाली चीज़ ऐसे दिस, जिसे आप एक नाम दे देते हो वेव्स ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो इनके बीच में ये ज्यादा है ये लॉन्ग है अब इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी क्यों क्योंकि ये स्लो करते हुए जा रही है ठीक है सो so, आपने बोला सीओ uh, के बारे में कि इट इज ओपेक टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ओपेक इनकमिंग सोलर रेडिएशन इनकमिंग तो शॉर्ट वेव थी ये वाली थी ये तो बिल्कुल साफ सुथरी थी ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी ट्रांसपेरेंट थी ये तो चीज फिर इसके अंदर तो गैसेस का था ही नहीं कंपोजिशन, बिल्कुल प्योर थी इसलिए ये ट्रांसपेरेंट थी और जब ये वापस जा रही है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स आउटगोइंग के लिए ये चीज है आपकी जो ओपेक हो जाती है अभी क्लियर रहेगा सबको याद रहेगा हाँ सो so, इसने ये जो चीज बोल दी ना कि ओपेक जो इनकमिंग सॉर तो ये अपोजिट है ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग के लिए और आउट गोइंग के लिए क्या है ओपेक है ओके okay, चलो ये सब मैंने मेंशन कर दिया है यू कैन आल्सो रीड इट फ्रॉ हेयर नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ओके अभी ये बताइए कि अभी तक के सब क्वेश्चन क्लियर है सबको डू लाइक करिए शेयर करिए सेशन को हाँ लेस वेव लेंथ होती है और हाई एनर्जी होती है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय द सिपरी इंडिया की आम जो इम्पोर्ट है वो केम डाउन हुए हैं थर्ड बिटवीन द 2011-15 और 2016 20 से लेके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया रिमेन्स द सेकेंड हाइस्ट इम्पोर्टर ओनली बिहाइंड द सऊदी अरेबिया यूएसए बिकेम लार्जेस्ट सप्लायर फॉर द ट्वेंटी सिक्सटीन ट्वेंटी इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू इंडिया इन ट्वेंटी इलेवन फिफ्टीन क्या है सही जवाब करेक्ट आंसर दीजिए वट इज द राइट आंसर वट कैन बी द राइट आंसर डू फास्ट ओके एनी अदर एनी अदर चलिए चलिए सी ए ए ना सबको डाउट चल रहा है राइट आंसर इज ए बिल्कुल सही बात है इंडिया की कुछ फाइंडिंग्स क्या है सेकेंड हाईएस्ट इंपॉर्टर है फर्स्टली इंडिया सेकेंड हाइएस्ट इंपॉर्टर है और ओनली बिहाइंड द साउथ अफ्रीका अरेबिया वो बिल्कुल सही है पहले सऊदी अरेबिया इंपोर्टर है और फिर हम आ जाते हैं आर्म सप्लायर्स टू इंडिया को रशिया एक लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है रशिया दोनों टाइम में ग्यारह से पंद्रह तक भी सोलह से बीस तक भी सो so, रशिया रिमेन्स दियर एंड रशिया शेयर करता है इंडियन आर्म से इम्पोर्ट का फेल फ्राम द सेवेंटी परसेंट टू द फोर्टी नाइन परसेंट रशिया है टॉप पे आपका तो वो चीज़ थोड़ा याद रखना बिकेम द लार्जेस्ट नहीं है यूएसए वो फोर्थ लार्ज वो बाद का बात है चलिए नेक्स्ट है फ्रांस और इसराइल जो हैं वो और है वो सेकेंड और थर्ड सप्लायर बने हैं दो हजार सोलह की और बीस के कैटेगरी के अंदर नो 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 बिशाजीत गलत बोल रहे हो सबसे पहले रशिया है फिर फ्रांस है फिर इजराइल है और फिर है आपका यूएसए ये वाला है सप्लाई के केस में सप्लायर में ओके okay. इंडिया आम इंपोर्ट फ्रॉम द ईरान फ्रांस इंक्रीज बाय सेवन जीरो नाइन परसेंट वोज ऑफ इजराइल रोज बाय फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर बना है सेकेंड लार्जेस्ट आम सप्लायर है इंडिया के लिए दो हजार में फाइन चलिए हाँ कंसिडर अबाउट द कथक कली अब आपको पता है ओके okay. सर्च करो एक बार सर्च कर लो देन विल थिंक अबाउट इट जहाँ तक भी है अभी ये चीज फ्रांस इसराइल सेकेंड और थर्ड सप्लायर है आर्म सप्लायर के 2016 20 वाला एरिया के अंदर 16 बीस का जो टाइम पीरियड है उसमें ठीक है so, सो कभी आप 11-15 का आपने सोचा हो दैट इज द सोलह बीस हम्म आप दोनों के अपोजिट है एक कह रहे हो एक कह फ्रांस रशिया इसराइल रशिया सर्च करिए फिर देखते हैं कथक कली से रिलेटेड क्या सही है इट इज ए ब्लेंडिंग ऑफ डांस म्यूजिक एक्टिंग इन ड्रामेटाइजेशन ऑफ स्टोरीज स्टोरी मोस्टली फ्रॉम द इंडियन एपिक्स रोल जनरली पोर्ट फोर्ट इंक्लूड किंग्स गोड डेम्स वोकेलेस नरेट द लीजेंड एंड द पर्किशंस ब्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सो क्या है सही जवाब करेक्ट आंसर वन टू बोथ नन व्हाट कैन बी द राइट वन तो बताइए जल्दी से तक कली से रिलेटेड बताओ क्या सही है एक सेकेंड सुनो इंडिया के जो टॉप थ्री आम सप्लायर हैं सुन लीजिए अभी इंडिया के टॉप थ्री जो आम सप्लायर हैं कौन कौन है वो सबसे पहले आते हैं 2016 20 के अंदर रशिया जिनका फोर्टी नाइन परसेंट है और फिर फ्रांस आते हैं एटीन परसेंट और फिर इज़राइल आते हैं थर्टीन परसेंट ये रिपोर्ट ने चीज़ इस चीज़ को जो है वो डिक्लेयर किया है ठीक है अभी आप इसी थोड़ा सा चेंज करो अपने अपडेट करो अपने उसमें क्या कह रहे हो चलिए इस राइट आंसर इज सी दोनों सही हैं कत्थक कली से रिलेटेड कत्थक कली इज़ वन अमंग द एट क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया ब्लेंडिंग है ये डांस की म्यूजिक की एक्टिंग की जहाँ पे डांस के साथ साथ जो है वो ड्रामेटाइजेशन और स्टोरी कहानी गथा करना उसके बारे में बताना वो सब चीज़ें साथ के साथ जो है वो इंक्लूड होती हैं रोल जनरली पोर्ट्रेट करते हैं किंग गो डैम्स इन सब के बारे में वोकलिस्ट नरेट करते हैं लीजियन को प्रकाशन को प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके बारे में भी जो वॉकलिस्ट हैं वो नरेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हॉट वाटर डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्रीज इज कंसीडर्ड एज अ वाटर पॉल्यूशन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग किस वजह से ऐसा होता है हायर वाटर टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर हायर टेम्परेचर लिमिट करता है ऑक्सीजन डिस्पर्सन इन टू डीपर वॉटर कंट्रीब्यूटिंग टू इन बी कंडीशन इन द डीप वॉटर करेक्ट आंसर वन ओनली टू ओनली बोथ या फिर बताइए वट इज द राइट आंसर ओके C और the wrong? Why is the wrong? Why is wrong? Name the thing कि गलत क्यों है चलिए हायर जो water है बी इज द राइट आंसर जो हायर water है वो जनरली इंक्रीज नहीं करता बल्कि जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है उसके अंदर उसको ये डिक्रीज कर देता है डिक्रीज़ कर देता है ठीक है सो ये वर्ड यहाँ डिक्रीज आना था और जो हायर टेम्परेचर है वो लिमिट करता है ऑक्सीजन को डिस्पर्जन इनटू डीपर वाटर कंट्रीब्यूटिंग एनरोबिक कंडीशन डीप वाटर के अंदर क्रिएट कर देता है तो ये वाला बिल्कुल सही है हायर वाटर टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है डिजोल्व ऑक्सीजन और वाटर को हाँ जी और मैनी जो एक्वेटिक स्पीसीज़ होती हैं वो रिप्रोड्यूस करने में फ़ेल होती हैं एलिवेटेड टेम्परेचर में एलिवेटेड टेम्परेचर डिक्रीज करता है डिजोल्ड ऑक्सीजन को और इट कैन हार्म एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश एम्फीबियंस अदर उन सब को इसकी वजह से जो बैक्टीरिया का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है वन इज एम्पल फूड सप्लाई और थर्मल पॉल्यूशन भी जो है वो इंक्रीज हो सकता है मेन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपरली याद रखनी है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द निम्बस क्लाउड्स निम्बस क्लाउड्स कैसे होते हैं क्या करते हैं उसके बारे में आपने बात करनी है दीज आर ब्लैक और डार्क ग्रे फॉर्म एट द मिडल लेवल और वेरी नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ दीज आर वेरी लाइट एंड ट्रांसपेरेंट टू द रेज ऑफ द सन निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासिक वेपर्स करेक्ट आंसर वन एंड टू टू ओनली वन ओनली या थ्री ओनली वट इज द राइट आंसर अबाउट द निम्बस क्लाउड्स के बारे में और हिंदी में है यहाँ पर अवेलेबल सो रीड करिए और बताइए रीड इट प्रॉपरली एंड देन आंसर इट केयरफुली बी और सी सी मीन्स वन ओनली ओके अद बी टू ओनली ओके निम्बस क्लाउड अरे सुनो अभी जो निम्बस क्लाउड होते हैं वो हाँ डी इज अ राइट आंसर सिर्फ प्रिंस हैं वो सही हुए हैं क्यों क्योंकि जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो ब्लैक और डार्क ग्रे के होते हैं जैसे जो काले घने बादल होते हैं ना जो बारिश करते हैं मेघ वाले बादल हाँ वो वाले बादल होते हैं निम्बस क्लाउड और बेसिकली ये आपको नियर द सरफेस मिलते हैं ताकि प्रॉपरली बारिश जो है वो हो सके और ये हैवी होते होते नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये चीज आपको जल्दी बन जाते हैं तो ये चीज आपको बहुत ही नियर टू द सरफेस से दिखाई देते हैं बहुत हल्के हैं और ट्रांसपेरेंट टू रेज ऑफ सन ये बिल्कुल सही है कि जब भी काले घने हो जाते हैं तो बहुत डेंस हो जाते हैं जिसके चलते सन की रेज जो है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती शेपलेस होते हैं बिल्कुल सही है एंड मिडल लेवल या नियर टू द सरफेस जो है वो बनते हैं क्लाउस आर सो लो दैट दे सेम टू टच द ग्राउंड और ये जो होते हैं वो शेपलेस होते हैं ओके क्वेश्चन क्लियर हैं अभी तक के सबको जिसने अभी लाइक like नहीं किया है डू इट नाउ डू इट नाउ शेपलेस मतलब है कि कैसे भी वो बन जाते हैं उन्हें कोई ऐसा नहीं होता वूल लाइक शेप नहीं है कोटा लाइक अपियरेंस नहीं है कुछ नहीं है जैसा भी बनना होता है वो बन जाते हैं ठीक है आप उसके लिए कोई नाम ऐसा नहीं दे सकते बाकियों के लिए वूल लाइक शेप है और आप कॉटन की फॉर्म में बोल सकते हो लेकिन इसके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते हो नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसे गिव भी बोलता है गिव क्या होते हैं इंडिया इफेक्टिवली ओनली होम टू द बस्टर्ड नाउ हार्बर्स लेस देन 150 फिफ्टी इंडिविजुअल्स इन फाइव स्टेट इट इज़ लिस्टेड इन स्केड टू ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन करेक्ट आंसर वन टू बोथ नन वट कैन बी द राइट वन पढ़िए और आंसर करिए वट ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है उससे रिलेटेड वट इज़ द राइट आंसर इंडिया ने इंडिया में होम टू द बस्टर्स हैं और करीबन डेढ़ सौ से कम है फाइव स्टेट में और अभी शेड्यूल टू में जो है वो लिस्टेड हो चुका है सी डी और बी ओके एनी अदर सी डी और बी चलिए इट्स इट्स एक्चुअली ए एक्चुअली एक बिकॉज सेकेंड वाला गलत है ना आपका शेड्यूल टू और वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ये चीज़ इंक्लूड है ये गलत है इंडिया के अंदर ओनली होम हाँ, टू द बस्टर्ड है नाउ हार्बर्स लेस देन फिफ्टी वन फिफ्टी इंडिविजुअल जो है वो फाइव स्टेट में बच चुके हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट ग्रे, 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 ग्रे इंडियन बस्टर्ड ये इनका स्टेटस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो मैंने आपको इंडिया ओनली तो नहीं कहा हो ओनली होम ऑफ द बस्टर्ड ओके नाउ हार्बेस्ट होम ऑफ द बस्टर्ड मिलते हैं लेकिन एक घर वाली बात है और इसका सही जवाब यही है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है क्रिटिकली एंडेंजर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो उसकी सही है वो चीज़ ओवर मिस लाइक क्रिटिकली ये इलेक्ट्रो वायरस जो हो रही है उन सब की वजह से जो खतरा हो रहा था उसके लिए इनको एक वो लगाए गए थे जिसके चलते इनकी आंखों में रोशनी पड़ती थी और ये दूसरी तरफ मूवन करते थे बर्ड्स फॉरिंग रेड आफ्टर कॉलिडिंग विद पावर लाइन्स रनिंग थ्रू देयर डिंगलिंग नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात और राजस्थान ब्लैक क्राउन है इनकी फॉरेड पे बॉडी uh, ब्राउनिश है दे फीड ऑन द ग्रास सीड इंसेक्ट लाइक द ग्रास ओपर और वह सब चीज़ें ठीक है लिस्टेड इन शेड्यूल टू ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू हम्म चलिए नेक्स्ट है फॉलोइंग माउंटेन रेंज जो कि एक बहुत ही अच्छा एक माउंटेन पास है इनमें से वो कौन सी माउंटेन रेंज में आता है ठीक है वो बताओ पीर पंजाल रेंज शिवालिक रेंज कराको रेंज और जा रेंज होम की बात है वहां पे मिल जाएंगे दूसरी जगह लेकिन घर की बात है कि ओनली होम टू द्रिगेट इंडियन बस्टर्ड वो चीज देखनी आपने अब बारह लाचल आप आज इस रेंज में पीर पंजाल में शिवालिक में कराकोरम में या जास्कर में ओके सब कुछ परफेक्ट है ओके okay. बारह लाचला जो पास है वो जास्कर रेंज के अंदर आता है दैट इज ट्रू आंसर फॉर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोर्ड रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम री ओपनिंग में क्रूशियल जो बारा लाचा वाला पास है वहाँ पर इन द हिमाचल प्रदेश मच बिफोर शेड्यूल टू रिस्टोर कनेक्टिविटी टू ले इन द लद्दाख में और ये ऑल्सो नोन एज बारा लाचा पास इन हाई माउंटेन पास जहांकर रेंज में कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल से लेके ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख तक सिचुएट करता है अलॉन्ग द ले मनाली हाईवे तक जो है ये सिचुएटेड होता है। Next है नोटा नोटा। से बारे में ने Union of India के केस के में डायरेक्ट किया था कि ECI जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे नोटा इन डायरेक्ट इलेक्शन टू अलाउ वोटर्स टू रजिस्टर देअ प्रोटेस्ट इफ नन ऑफ द कैंडिडेट इज एक्सेप्टेबल टू देम कि अगर किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया गया लोगों के द्वारा तो ये जो इलेक्शन है वो रद्द करे जाएंगे और दोबारा से इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली होंगे नोटा हैज ओनली सिम्बॉलिक वैल्यू इन ए डायरेक्ट डायरेक्शन कि क्या इसकी सिर्फ सिम्बॉलिक वैल्यू है करेक्ट आंसर दीजिए वन टू वोट नन वट कैन बी द राइट वन बताओ जल्दी एवरी वन डू लाइक द सेशन एज वेल गज लाइक द सेशन भी करिए चलिए इस राइट आंसर इज सी दोनों सही है आपका सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा कि जो इलेक्शन कमीशन से कहा एक्चुअली कि टू रिस्पोंड टू दैट फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे हायर नंबर ऑफ वोट जो है वो नोटा आ गई हो और याद रखना वो वो कैंडिडेट सेम नहीं होंगे कैंडिडेट भी आ, अलग होंगे क्योंकि ये बोला गया है कि ये जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट किए गए हैं वोटर्स के द्वारा तो वो वाली चीज है सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज नोन एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ So, पढ़िए क्या है सही जवाब कि क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्या होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये चल रहा है आपका ज्योग्राफी का कोर्स अन अकेडमी पर तो आप लोग ज्वाइन करिए बताओ एवरीवन वन

अब आप देखो कि कितनी बाउंड्री है इतनी और इसके अंदर कितना जो है वाटर की कैपेसिटी है जो फिल हुआ हुआ है ये उसकी एक्चुअली पा पोजिशन है ना कि एक्चुअली में वो है कितना पूरे मतलब वाटर वेपर पर कितना उसमें प्रेजेंट है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अलग अलग एरिया पर अलग अलग हिसाब से होते हैं मतलब लैंड पर होगी तो कम होगी और आपका ओशन में होगी तो जल्दी होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तब होती है जब ड्यू पॉइंट आ जाए किसी भी रेनफॉल का विंड का और साथ के साथ जो सेचुरेशन वाला पॉइंट है वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट हो जाए तब होगी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये कुछ पॉइंट्स हैं साथ के साथ याद करो और आपका जो ड्यू पॉइंट है वो आ जाए ड्यू पॉइंट का मतलब वो वाला टाइम जब वो बॉक्स ये पूरी तरीके से वाटर वेपर्स की कैपेसिटी से भर चुका है अब ये जो बबल है वो फूटने के लिए तैयार है और रेनफॉल कोज करने के लिए रेडी है पहले में अपोजिट है दूसरा बिल्कुल सही है कि वो डिफ़र करता है अपोजिट कुछ नहीं है यहाँ रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट आएगा बस ओके एब्सोल्यूट समझ गए हो ना कि कितना पानी जो है वो उसके अंदर है वो एक्चुअल है और जब आप रिलेट कर लेते हो तो वो उसका क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीप ओशन मिशन डीप ओशन जो मिशन है जिसे डॉप बोलते हो डोम बोलते हो क्या है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू की प्रोजेक्ट इंक्लूडेड डी सिलाइनेशन प्लाट पावर्ड बाई ट्रेडल एनर्जी एंड ए समर्ज व्हीकल दैट कैन एक्सप्लोर डेप्थ ऑफ एटलीस्ट सिक्स थाउजेंड मीटर फोकस करते हैं मिशन पे दैट वुड इंक्लूड इंक्लूड ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस एंड अंडर वाटर बिच बूस्टिंग रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी सो क्या है सही जवाब बता दीजिए डीप ओशन मिशन से रिलेटेड ओके सी ओ डी एनी अदर चलिए डी इज़ राइट आंसर है बिल्कुल सही हैं आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये वर्ड याद रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिशन यही है कि प्रपोज करना एक्सप्लोर करना डी पोशन सिमिलर टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन जो इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था पैंतीस साल पहले फोकस है डीप सी माइनिंग करना ओशन क्लाइमेट चेंज को देखना एडवाइजरी सर्विसेज अंडर वाटर व्हीकल्स अंडर वाटर रोबोटिक वो सब चीज़ें दो प्रोजेक्ट हैं जैसे डिसलिनेशन है कि प्लांट को पावर किया गया टाइडल एनर्जी और सामर्सिबल व्हीकल जो एक्सप्लोर कर सकते हैं 6000 मीटर तक ठीक है सो हाँ डी इज द राइट आंसर सारे इसके अंदर जो है वो ट्रू हो जाएंगे सो so, ये थे आप लोगों के क्वेश्चन आई जस्ट होप कि आपको अच्छे लगे हो समझ में आए हो प्रॉपरली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ये है मेरी प्रोफाइल अन अकेडमी पर अंकिता जिंदल के नाम से देर आर लॉर्ड्स ऑफ कोर्सेज जो है वो गोइंग ऑन है जैसे आप देखो इलेवन ए एम अभी हम डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे अन एन अकेडमी पर वन पी एम क्वेश्चन होंगे सेवन पी एम फिजिकल जोग्राफी का कोर्स होगा और नाइन पी एम बैटल विद द एम सी क्यू सीरीज जो है वो चल रही है जिसके अंदर आप बात करोगे क्वेश्चन की और स्पेशली सीरीज होगी वो प्रम्स ट्वेंटी वन की ओके आपको सिर्फ़ इतना करना है आपको सिर्फ इतना करना है लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को साथ के सा, साथ साथ के साथ टेलीग्राम ज्वाइन करो दोनों के सड़ी आई का टेलीग्राम भी और एन अकेडमी अंकिता जिंदल दोनों टेलीग्राम जो है वो सर्च करो और ज्वाइन करो सीरीज विल बी रियली हेल्पफुल टू यू ऑल तो इसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए थैंक यू